जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी कहते हैं, भगवान वश में कैसे हों? किसी को वश में करना हो तो उनकी सेवा करो, गुण गाओ, आज्ञा का पालन करो। सेवा से महात्मा वश में हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब प्रसन्न हो जाते हैं। किसी को वश में करना हो तो यह विद्या सबसे बढ़कर है। फिर भगवान को ही वश में क्यों न करें, जिसमें सब वश में हो जाएं? भगवान कहते हैं, जो मेरी भक्ति करता है वह यदि मुझे बेचे तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। बेचे तो बिक जाऊं, नरसी महारो सिर धनी। संसार के सब पदार्थ धन से मिलते हैं, पर भगवान धन से नहीं मिलते। स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पण कर दें तो भगवान का यह नियम है कि वे भक्त के वश में हो जाते हैं। भगवान को यदि खरीदना हो तो सबसे बढ़कर यह विद्या है, सत्य बोलना, दूसरे की स्त्री को माता के समान मानना और भगवान के अधीन रहना। सत्य वचन अधीनता परतिय मात समान, इतने में हरि ना मिलें तुलसीदास जमान। एक ही बात ऐसी है जिसके धारण करने से सब अपने आप आ जाती है। राजा को बुलाने से सारी सेना आ जाती है। उसी तरह भगवान की भक्ति से सारे गुण और दैवी संपदा आ जाती है। वह सद्गुण सदाचार की मूर्ति बन जाता है। आपसे और बात बने तो ठीक है, आपसे और बात बने तो ठीक है, अन्यथा भगवान को अवश्य याद रखें। जड़ में भगवान हैं, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मनुष्य शाखा वाले, जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उद्दालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। वेद वेदांत आदि पढ़कर आने के बाद उसने कहा, मैं विद्वान हूँ। अहंकार आ गया और पिता को मूर्ख समझकर नमस्कार नहीं किया। वास्तव में जो अपने को पंडित समझे वह मूर्ख है। पिता ने कहा, बेटा वह विद्या सीखे कि नहीं जिस एक बात के जानने से सारी बात का ज्ञान हो जाए। लड़के ने कहा, यह तो नहीं पढ़ी। पिता बोले, एक परमात्मा का ज्ञान होने से सबका ज्ञान हो जाएगा। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वह ज्ञान होता तो अहंकार नहीं होता। लड़का यदि 100 वर्ष माता पिता की सेवा करे तब भी वह उनसे उऋण नहीं हो सकता, चाहे आजीवन सेवा करे। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो सकता है? जैसे सोने का जिसको ज्ञान हो गया, उसे सोने के आभूषण सोना दिखने लगे। लोहे का ज्ञान होने पर तमाम अस्त्र शस्त्र लोहा दिखने लगे। मिट्टी का ज्ञान होने पर तमाम बर्तन मिट्टी दिखने लगे। भगवान गीता जी में कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भसता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। परमात्मा के ज्ञान से सारे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है।
अपने तो यह समझ लो कि जो समय गया सो गया, अब बाकी समय हरि में लगा दो, भगवान में लगा दो। अब तो यही निश्चय कर लो कि जो कुछ अच्छा या बुरा बीत गया सो बीत गया, अब बाकी समय चलते उठते बैठते खाते हर समय भगवान को याद करना चाहिए, अपने आप को भगवान में लगा दें। मैं आशिक तेरे रूप पर, बिन मिले सबर नहीं होती। यह भाव धारण होने पर भगवान को बाध्य होकर आना पड़ेगा। भगवान प्रेम से मिलते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। हरि सबके पापों का हरण करने वाले, पापी से पापी को पवित्र बनाने वाले, पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल, ऐसे भगवान सर्वत्र विराजमान हैं। दिया सलाई की रगड़ से जैसे आग उत्पन्न होती है, इसी तरह प्रेम की रगड़ से परमात्मा मिलते हैं। अपने आप को धूल में मिला दो, खूब लगन लगा दो, अथवा यह इच्छा करें कि हमारे शरीर की धूल हो जाए और उस पर भगवान शयन करें तो हमारा जन्म सफल हो जाए। अपने आप को भगवान के अर्पण कर दो। गमछे का मालिक चाहे जिस तरह काम में ले, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। इसी तरह अपने आप को परमात्मा के अर्पण कर दें। आज तक का जो समय बीता सो बीता, पर बाकी समय परमात्मा में लगा दें, प्रेम में पागल हो जाएं। ऐसे पागल की आवश्यकता है। लोग पागल होते हैं धन के लिए, पर तुम पागल बनो भगवान के लिए, पर तुम पागल बनो भगवान के लिए। सीता जी भगवान के विरह में व्याकुल हो रही हैं, विलाप कर रही हैं। भगवान भी सीता जी के विरह में व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं। जरा सोचो, क्या भगवान व्याकुल हो सकते हैं? पर जब सीता जी व्याकुल हैं, तभी प्रेम में भगवान व्याकुल हैं। भगवान को पहले पागल बनाना हो तो तुम प्रेम में पागल बन जाओ। संसार से वैराग्य और भगवान से प्रेम, ये दो ही चीज हैं। जय श्री राधे।